नमस्कार मित्रों, आज हम पुण्य बातचीत करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता से संबंधित। तो लोक देवताओं को जानने से पहले मैं आपको लोक देवताओं का एक परिचय करवाता हूँ कि लोक देवता किसे कहेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चैनल को और इस क्लास को आप लोग पूरी देखेंगे, क्योंकि इस पूरी कक्षा के अंदर मैं आपको ये से प्रश्न दूंगा 10 जो आपकी प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप प्रत्येक परीक्षा में आप इन प्रश्नों को सही करके आएंगे। तो हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि लोक देवता कहते किसे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान पुरुष जो दूसरों के हित में कार्य करते हुए, दूसरों के हित में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, दूसरों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, उन सभी महापुरुषों को हम राजस्थान में लोक देवता की श्रेणी में रखते हैं। राजस्थान के अधिकांश लोक देवताओं की जो कहानी है वह या तो स्त्री रक्षा से संबंधित है या फिर गो रक्षा से संबंधित है। तो राजस्थान के अधिकांश लोक देवताओं की कहानियां स्त्री एवं गाय से संबंधित है। एक तो गाय है, दूसरी लुगाई है, ऐसा आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बातचीत करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। तो राजस्थान के अंदर दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। राजस्थान के ऐसे कितने लोक देवता है जिनको हिंदू और मुस्लिम बराबर पूजते हैं, और राजस्थान में कौन से लोक देवता किनके अवतार हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजस्थान के वो लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं उन्हें हम पंच पीर कहते हैं। और पंच पीरों की ट्रिक याद करने की मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैं इस कक्षा को वापस से लेके आया हूं। पांचों पीर रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, हडबू जी और पाबू जी, ये पांचों पीर ऐसे लोक देवता हैं जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजे और मुस्लिम भी पूजे उन्हें हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। और आप लोगों ने ट्रिक से याद कर लिया होगा, सबसे पहले पंच पीरों में सम्मिलित लोक देवता हम बातचीत करते हैं रामदेव जी की। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर बन रखा है। तो रामदेव जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है रामदेवरा, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये रामदेवरा पड़ता कहां पर है, ये रामदेवरा पड़ता है जैसलमेर में। तो रामदेवरा रूणीचा का नाम है। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर रामदेवरा में स्थित है जो जैसलमेर में, ये आप ध्यान रखेंगे। इनके बाद हम बातचीत करते हैं मेहा जी की। मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया, और मेहा जी मांगलिया का जो मंदिर है, ये मेहा जी मांगलिया का मंदिर है कहाँ पर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मेहा जी मांगलिया है बापणी जोधपुर, और बापणी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है मेहा जी मांगलिया का। जरा आप कैसे ध्यान रखेंगे कि मेहा जी मांगलिया का मंदिर कहाँ है। तो बच्चों, तमाम लोक देवताओं में मेहा जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती है, उनके पुजारियों के छुराछुरी नहीं होते हैं, मतलब उनके पुजारी के शादी ब्याह इत्यादि नहीं करते हैं, तो वह गोद लेकर के अपने वंश की वृद्धि करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, कौन से लोक देवता के पुजारी बाप नहीं बन सकते, मेहा जी मांगलिया के पुजारी बाप नहीं बन सकते, इसलिए इनका मंदिर कहां पर है, बापणी जोधपुर, बाप नहीं बन सकते, मतलब बापणी जोधपुर। नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं गोगा जी की। तो देखो, गोगा जी भी पंच पीरों में सम्मिलित हैं, और गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा बच्चों गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़। गोगा मेडी नोहर ये पड़ता है हनुमानगढ़ में। तो गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। फिर हम पढ़ते हैं पाबू जी को। पाबू जी, इन पाबूजी की अगर हम बातचीत करते हैं तो ये जो पाबूजी है बच्चों, पाबूजी का प्रसिद्ध जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा कोलूमंड फलोदी जोधपुर। पाबूजी का जो प्रसिद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा ये कहाँ मिलेगा, कोलूमंड फलोदी जोधपुर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, पाबू जी और हडबू जी, हडबू जी और हडबू जी का जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा बच्चों ये मिलेगा बेंगटी
जोधपुर, ये भी फलोदी में पड़ता है, बेंगटी जोधपुर। तो ये पांच ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है, इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी बराबर पूजते हैं, इसलिए इन पांचों को पंचपीर कहा गया। इन पांचों पंचपीरों के मंदिर भी आपने जाने। अगली कक्षा में मैं एक एक लोक देवताओं को आप लोगों से बहुत विस्तार से एवं रोचक कहानियों के साथ पढ़ाने वाला हूँ, आप कभी भी इन्हें भूलेंगे नहीं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पांच ऐसे लोक देवता हो गए जिनको हिंदू और मुस्लिम बराबर पूजते हैं, जबकि हमारे यहां ऐसे भी लोक देवता हैं जिनके अवतार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से लोक देवता किनके अवतार हैं। तो जरा आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर इसके बाद में आगे आप लोगों को बताता हूं। आपने ले लिया होगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बातचीत करते हैं अवतारों से संबंधित कि किनको किनका अवतार माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं कि रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है। तो बच्चों, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को द्वारकाधीश भगवान, द्वारका के ईश, द्वारका के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बहुत बढ़िया कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा रामदेव जी की, तो आप लोग जरूर सुनेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम बातचीत करते हैं कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का भी प्रश्न पूछा जाता है कि कल्लाजी राठौड़ किन के अवतार है। तो कल्लाजी राठौड़ शेष नाग के अवतार है। इनको भी मैं बहुत बढ़िया कहानी के साथ आप लोगों को बताऊंगा। अभी परीक्षा की दृष्टि से बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो कल्लाजी राठौड़ किन के अवतार हैं? शेष नाग के। रामदेव जी किन के अवतार हैं? कृष्ण के। अब हम बातचीत करते हैं पाबू जी। पाबू जी को किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और बच्चों, इसके बाद हम फिर से बातचीत करते हैं भगवान देव नारायण की, विष्णु के अवतार। भगवान देव नारायण को किन का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने जाने चार ऐसे लोक देवता जिनके अवतारों से संबंधित परीक्षा में जरूर प्रश्न आते हैं। इनके अलावा एक भी लोक देवता किसी का अवतार नहीं माना जाता है, ध्यान रखेंगे। इन चारों में से हमेशा प्रश्न आ रखा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, और देवनारायण को, भगवान को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो बच्चों, आप लोगों ने पंचपीर और चार अवतारों से संबंधित बात समझी, जरूर आप लोगों की परीक्षा में काम आएगी। अगर आपको नॉलेज, जानकारी, कक्षा अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।